सीसीटीवी में रिकॉर्ड लाखों की लाइव चोरी। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी में चोरों ने आतंक मचा रखा है। यहां एक महीने में एक दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे चुके हैं। शातिर चोर ने एक पीतल कारोबारी के घर का देर रात ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस छानबीन कर चोर की तलाश कर रही है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के एकता विहार में रहने वाले कामिल के घर उसके ही एक रिश्तेदार ने 30 सितंबर में अपनी बहन की शादी के लिए 5,45,000 रुपए जमा करके रखे थे, लेकिन उसे क्या पता था जिसे वो सबसे सुरक्षित जगह मान रहा है वहीं से उसकी लाखों की जमा पूंजी चोरी हो जाएगी। देर रात कामिल घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर पास में ही एक दूसरे रिश्तेदार के घर गए थे। जब वापस आए तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। फुरकान ने दौड़कर अंदर जाकर देखा तो अंदर रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखे लाखों रुपए गायब थे। तब फुरकान ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो एक व्यक्ति लोहे की रॉड से मुख्य दरवाजे में लगा ताला तोड़कर अंदर जाकर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे 5,45,000 रुपए ले गया। जाते वक्त चोर लाखों रुपए के जेवर से भरा बैग छोड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कामिल हुसैन है, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो कामिल, ये कमरा जो था इन दो तीन लड़कों पे रहता है, मोहम्मद अहमद, इमरान और वीर जी हमारे यहाँ काम करते हैं फैक्ट्री अपनी। तो ये रात के 12:30 बजे चले गए ताला लगा के छानबीन, और फिर इसके बाद वो 1:46 पर अंदर एंट्री करी है उसने। हम पहले मेन गेट का ताला तोड़ा है, फिर अंदर से ढंडेरा हटाया है, फिर इस वाले गेट का ताला तोड़ा है, यहाँ फिर अंदर बढ़ के फिर दो तीन जगह डायरेक्शन में सर्च कराया कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। फिर ये सामने का ताला छोटी सी एक दराज है कि इसका कंप्यूटर के नीचे उसका ताला तोड़ा है, अंदर के दो ड्रॉवर के ताले तोड़े हैं, फिर लास्ट में उसका ताला तोड़ा तो उससे उसमें वहाँ सफलता हासिल मिली। क्योंकि इनका ये भी नहीं पता कि ये लोग कैश भी रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन इनके यहाँ शादी थी गाँव में भी इनके आस पड़ोस में 4 चोरियाँ हो चुकी थी बहरी मेरे नाम में भी। तो ये इन बेचारों ने लाके यहाँ पे कैश रख दिया। जेवर भी था इस्तेमाल को, वो जेवर छोड़ गया है, जेवर का थैला नहीं लग गया, सिर्फ कैश मिला तो वो हड़बड़ा में कैश ही लगे भाग गया। कैश बड़ा था ना, उसे देखा गड्डी गड्डी। तो कितना कैश ना? 5,43,850 बता रहे हैं, इतना ही कैश है। वो तो जाते हुए कैश वीडियो है कि सब सीसीटीवी फुटेज में आया है वो तो। जी क्या नाम आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद जी कौन सी जगह रहते हैं? बहेड़ी ब्रह्मनान। अच्छा, क्या घटना घटी थी यहाँ? हमारे यहाँ पर चोरी हुई है रात। कौन सी जगह है? एक तब यहाँ रामपुर तो रहा। क्या मामला है, क्या क्या गया है चोरी में? चोरी में कैश गया है केवल सर। कितना कैश गया? 5,45,850 रुपया। किस तरीके से चोरी की गई है जो जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? सीसीटीवी फुटेज में सर चोर आने वाला आया, उसने मतलब बाहर का ताला तोड़ा, उसके बाद अंदर का ताला तोड़ा, उसे जो जिस कबाड़ में मेरा कैश रखा था उसका ताला तोड़ा। क्या कारोबार करते हैं आप? सर एक कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। तो कैश कंपनी का रखा हुआ था आपका ही था? नहीं नहीं, मेरी बहन की शादी है ना। कब है शादी? और एक मेरे दोस्त का कैश रखा था जिसका नाम मोहम्मद इमरान है, शादी 30 सितंबर को बारात जाएगी उसकी। तो शादी के लिए कैश रखा हुआ था? जी सर। और जेवर खरीदना बहन के लिए, मुझे अपनी शादी की मतलब अपनी बहन की शादी करनी है। तो अभी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई यहाँ आया? हाँ, दरोगा जी आए थे और 100 नंबर वाले को फ़ोन किया था, वो भी आए थे। क्या कर रहा भाई ये? अभी तो सर सीसीटीवी फुटेज मांगा है। इससे पहले भी सुनने में आ रहा चोर यहाँ टहल रहे थे? इससे पहले एक 3 से 1 हफ्ता या 15 दिन पहले भी चोरी हुई है यहाँ पर पास में। 4 से 5 तो लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 4 से 5 दिन पहले भी एक पास में चोरी हुई है, लगभग 4 से 5 घटनाएं थी इस एकता विहार दक्षिणी में घट चुकी है। आज की चोरी हुई है यहाँ पर एकता विहार रामपुर दोराहे पर दक्षिणी में प्रथम बैंक के पीछे। क्या चोरी हुई है आज? दो चोरी हुई हैं जो हमारे हमारे घर से 3 घर छोड़ने के बाद एक और उनके घर पर कोमल काटा है